हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? ऐसी नई नई चीज़ें मैं रोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, और ऐसी रेसिपी तो सबको पसंद आनी चाहिए। नई नई चीज़ें घर पे ट्राई करते रहना चाहिए, एक चीज़ खाते हुए बोर हो जाता है मन। तो आप लोगों को पसंद आए तो मेरा वीडियो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने केला लिया है 5-6, जितनी आपको आवश्यकता हो उतना आप ले लीजिए। और ये पानी हमने गैस पे रख दिया था, उबल गया है अच्छे तरीके से, तो उसी पानी में ये केला कच्चा है। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसलिए कि केला जो है उबालते वक्त उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो उसमें जो है दूध निकलता है, वो चिपकता नहीं हाथ में। और ये दूसरी तरफ लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और प्याज है, इसका हमने पेस्ट बना के निकाल लिया है बाहर। और उसी जार में टमाटर का पेस्ट भी बना के हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो एक कटोरी हमने बेसन लिया है और एक कटोरी दही है। तो बेसन को हम सूखा भूंज ले रहे हैं, और हम बनाएंगे आज केले का कोफ्ता, और वो भी कच्चा केला है। और ये देखिए, केला मेरा अच्छी तरीके से पक गया है और इसको मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। और नमक डालने के बाद जो दूध हाथ में केले में चिपकता है, ये देखिए पानी में सब नमक की वजह से ये दूध उतर गया है उसी पानी में, और ये केला अब हाथ में नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। इसको ठंडा होने के बाद मैं छील ले रही हूँ। दूसरी तरफ ये प्लेट में हमने एक कटोरी जो बेसन लिया है उसमें थोड़ा सा नमक डाला है अपने टेस्ट के अनुसार, और ये धनिया, लहसुन, अदरक का जो पेस्ट था, लहसुन, हरी मिर्च, उसको थोड़ा सा हम उसी बेसन में डाल देंगे। और इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये थोड़ी सी दही है जो हमने इसको फेंट के रख लिया था, तो उसी बेसन में हम दही को डाल दिए हैं। और एक चम्मच हल्दी है, एक चम्मच गरम मसाला है। तो अब इसको हम हाथ से अच्छे तरीके से मिला दे रहे हैं। केला जो है ठंडा हो गया है, इसको मिलाने के बाद जो केला है उसको मैं हाथ से थोड़ा सा फोड़ दे रही हूँ और खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। और केले का कोफ्ता, आप लोग कच्चे केले का कोफ्ता बनाइए, खाइए, बहुत अच्छा बनता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और कच्चा केला खाने में बहुत ही फायदेमंद होता है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, दही में हमने इसको मिक्स किया है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से डो बन के तैयार हो गया है। आप इसे बहुत ज़्यादा गीला भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। तो हम बहुत ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, इसलिए दही है, दही में हमने इसको फेंटा है। तो छोटे छोटे बॉल की तरह इसको बना के मैं कोफ्ते को अच्छे तरीके से पका के छान लूँगी। और ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पक गया है। पानी नहीं डाले थे, दही में इसको हम बना रहे हैं, दही में केले का कोफ्ता, और बहुत अच्छा ये पका था। अंदर से एकदम मुलायम, सॉफ्ट, एकदम अच्छे तरीके से फूल गया था। इसमें हम थोड़ा सा, आधा चम्मच के लगभग मेथी डाल दिया है उसी कढ़ाई में तेल में, थोड़ा मेथी चिटक जाए अच्छे तरीके से। तो हमने उसमें एक चम्मच हल्दी डाल दिया है और एक चम्मच गरम मसाला, ये लहसुन, धनिया, मिर्च, अदरक का जो पेस्ट है उसको भी डाल के अच्छे से भून ले रहे हैं। थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, अच्छे तरीके से इसको भून ले रहे हैं। तो ये टमाटर जो हमने 4-5 पीस के रखा था उसको भी डाल दिया उसमें।
अब इसको टमाटर को अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि ये खूब अच्छे तरीके से पक जाए टमाटर। और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, तभी इसका कोफ्ता भी अच्छा बनता है खाने में कच्चे केले का। तो ग्रेवी थोड़ा सा पक जाए। ये धनिया पाउडर है, जो धनिया पाउडर को थोड़ा सा हम भून के डिब्बे में रख लेते हैं, और सौंफ है उसको भी भून के आप डिब्बे में रख लीजिए। तो कभी कभार, ना डेली इस्तेमाल करिए लेकिन कभी कभार डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया एक गिलास के लगभग, और धनिया और सौंफ एक ऐसी चीज़ है दोनों को भून के रख लीजिए तो बहुत अच्छा, सब्ज़ी में डालिए किसी चीज़ में भी डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने टेस्ट के अनुसार अपने नमक डाल दिया है। तो ये ग्रेवी अच्छे तरीके से पक गई है और अच्छे तरीके से उबल रही है, तो उसी ग्रेवी में ये कोफ्ता भी डाल दिए हैं। कोफ्ता डालने के बाद जो है थोड़ी देर हमने इसको पकाया था। मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर करिएगा।